ये है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, कुछ इस तरह दिख रहा है। मैं अपनी सिटी से आ गया था। रात 2 बजे मेरा ट्रेन था, 10 बजे पहुंचा दिया। मेरा ट्रेन कुछ ऐसा है, आगे आएगा 12864 हावड़ा एक्सप्रेस, 12:20 पर A3 प्लेटफॉर्म पर आएगा। अब मेरे पास ढेर सारा टाइम है, तो ये बाहर का एरिया है कुछ ऐसा। यहाँ पर मैंने अपने सामान रखा था, वो बाद में लूँगा यार, मेरे तो टाइम बहुत ज़्यादा है। मेरे अभी थोड़ा घूमूंगा, 12 बजे जाऊंगा लेने के लिए। 20 मिनट्स होगा तो लेने जाऊंगा, पता नहीं। ये रेलवे स्टेशन है, ये कुछ है इस तरह, आप लोग देख सकते हो भुवनेश्वर का ये। उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ से हावड़ा, वेस्ट बंगाल चला जाऊंगा। पहली बार जा रहा हूँ उड़ीसा के बाहर, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होगा, आप लोगों को भी बताऊँगा। अब मैं ऊपर आ गया, ऊपर का नज़ारा आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ। मैंने बैग अपना वहाँ पर लग दिया था, वो कितना रुपये लिए, 30 रुपीस लिए थे और मुझे ये दे दिए। ये मेरा नंबर है, ये दिखा दूंगा, मेरा सामान मुझे मिल जाएगा। ये दिखा दूंगा, मेरा सामान मुझे मिल जाएगा। 60 रुपीस लिए हैं मैंने, 7 रुपीस दिया था और 10 रुपीस वापस नहीं किए उन लोगों ने। मैंने भी कुछ मांगा नहीं, जल्दी में था, मुझे जाना था थोड़ा। ये भाई नज़ारा कुछ इस तरह, ये चारों तरफ देख सकते हो आप लोग भुवनेश्वर का। ये हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट है, आप लोगों को तो पता ही होगा इनका नाम। ये हावड़ा एक्सप्रेस 12:20 को आएगा, ये इस ट्रेन पे मैं जाऊंगा। आप लोगों को वहाँ थोड़ा जाके दिखा देता हूँ कैसा है। बस ये यार को क्या बोलो, कुछ इस तरह है स्टेशन। लोग दिखने मिल जाएंगे आप लोगों को, 6 प्लेटफॉर्म है, 6 या 7 पता नहीं, 6 ही होगा, 6 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। भाई साहब प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मेरा ट्रेन आएगा, मैं चला जाऊँगा सीधे कलकत्ता वेस्ट बंगाल। अब मैंने सामान लेने के लिए गया था जहाँ मैंने रोका था। भाई साहब इतना दौड़ कर आ गया ना, थोड़ा इतना भारी अजून मैंने कभी कंधे पर लिया ही नहीं। अभी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगा, अब 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर मैं तो आ गया हूँ। ये 2-3 देखते हैं, अभी आने के बाद अंदर का कैसे दिखा देता हूँ। ये थोड़ा बैकग्राउंड है। भाई साहब मेरा ट्रेन आ गया, इस ट्रेन पर जाऊँगा क्या मैं? अभी नहीं आया, आगे है S5, ये वाला डब्बा है मेरा। भाई साहब इतना गेम में कहाँ पर घुसूंगा भाई, S5 11 तो ये है मेरा, मतलब कैसे जाऊंगा यार, किसी को उठाना पड़ेगा, ये तो स्लीपर में 11 नंबर सीट पर उठाना पड़ेगा, देखते हैं क्या है हिसाब किताब। भाई साहब सीट मिल गया है, बट क्या करें ऊपर वाला मिला है मुझे, और मैं जाऊंगा हावड़ा। ये ट्रेन का कुछ हालात है इस तरह, लोग नीचे सो रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं, जनरल लोग भी यहाँ पर आ गए हैं, क्या बताएं। हमको सीट ऊपर मिल गया वहाँ पर, और रात भर सोया नहीं था, अब सोऊंगा, सो के आपको हावड़ा में मिलूंगा शायद, पूरा टॉप वाला ऊपर वाला ये लग, क्या बताऊँ। जैसे जैसे चला जाऊँगा, 7-8 घंटे का रास्ता है भुवनेश्वर से हावड़ा, डायरेक्ट हावड़ा पे मिलूंगा आप लोगों को। मोबाइल पे भी चार्ज नहीं है,
और एक चीज़, हाँ एक बात बतानी थी मुझे, बहुत ज़रूरी बात है। यहाँ उड़ीसा में हॉकी हो रहा है, बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, जैसे प्रमोट करते हैं, हॉकी को वैसा प्रमोट नहीं मिल रहा है। मेरा अनुरोध है कि हॉकी को भी थोड़ा प्रमोट कर दो। उड़ीसा में हो रहा है, उड़ीसा गवर्नमेंट जो नवीन पटनायक जी हैं वो हॉकी का प्रमोट कर रहे हैं। वो तो लगभग उड़ीसा में ही हो रहा है। इंटरनेशनल खेलने जाओगे तो वहाँ पर लिखा रहता है कि उड़ीसा, ना कि इंडिया लिखा हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि सबको कि हॉकी को प्रमोट करो यार। हॉकी हमारा भारत का पहला गेम है, ऐसा मतलब स्वदेशी गेम है। क्या बताऊँ, आप लोग हॉकी को प्रमोट करो थोड़ा। किसी भी यूट्यूबर को जो अगर मेरा वीडियो मिला कि वो किस तरह देखेंगे, सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो प्लीज़ यार हॉकी को प्रमोट करो। हॉकी उड़ीसा में हो रहा है, अगर हो सके तो ये ईयर नहीं, नेक्स्ट ईयर आओ देखो, बहुत मज़ा आएगा हॉकी। क्या बताऊँ यार, जैसे फीफा वर्ल्ड कप हुआ ना फुटबॉल का, वैसा हॉकी को भी वैसा वाला प्रमोट चाहिए, जैसे प्रमोट हो गया आईपीएल जैसे प्रमोट हो रहे हैं, तो क्रिकेट में जो जैसे प्रमोट हो रहा है वैसे हॉकी को भी प्रमोट करो। बस इतना ही कहूँगा यार, और क्या कहूँगा, हॉकी को प्रमोट करो। वेस्ट बंगाल में आप सबको स्वागत करते हैं। फाइनली हम वेस्ट बंगाल में पहुँच गए, हावड़ा जंक्शन में, और दौड़ा दौड़ी चल रहा है भाई साहब जाने के लिए, बहुत सारे लोग हैं, और दूसरा ट्रेन पकड़ना है मुझे, दूसरे स्टेशन जाना है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाऊंगा मैं, पता नहीं कहाँ से जाऊंगा, शायद वहाँ से जाऊंगा, कुछ पता नहीं चल रहा है भाई कहाँ से जाऊंगा, दौड़ा दौड़ी चल रहा है। मैं आपको बाद में मिलता हूँ। मैं थोड़ा स्टेशन ढूंढ लूँगा, मेरा 4 नंबर प्लेटफॉर्म कहाँ है। यह तो एग्जिट है भाई साहब, शायद वहाँ से 4 नंबर प्लेटफॉर्म है। यहाँ 21 नंबर 22 नंबर तक है भाई साहब, 4 नंबर प्लेटफॉर्म कहाँ है पता नहीं मुझे। देखो अभी ढूंढना पड़ेगा, 4 नंबर प्लेटफॉर्म से जाऊँगा मैं, और ट्रेन बहुत जल्दी छोड़ देगा भाई साहब, दूसरा वाला ट्रेन आ जाएगा। बताओ ये कोई बात है, मैं आप लोगों के साथ बात करूँगा दूसरा स्टेशन जाके। बस ये है डॉर्मेट्री, यहाँ पर रुका हूँ मैं, 2 दिन तक यहाँ पर रुकूँगा भाई साहब, कुछ अच्छा नहीं है। यहाँ पर पूछा था मैंने भाई मैम को, मैम ने बोला कि वो प्रिंट आउट निकाल के दे देना। मैंने कहा ठीक है, प्रिंट आउट निकाल के कल सुबह दे दूँगा। वो बोला कि कल सुबह दे देना। और यहाँ पर ये स्टेशन है बैरूल स्टेशन है, यहाँ पर बैरूल स्टेशन। मुझे भूख लग रहा है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, कहाँ पर खाना खाऊंगा पता नहीं। 2 दिन मुझे इसी रूम में रुकना है भाई साहब, यहाँ मच्छर है, इतना ज़्यादा साफ सफाई नहीं, क्या बताओ। ये कलकत्ता का थोड़ा गली का शहर, अंदर देख सकते हो आप लोग। क्या खाऊं यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, शायद ढूंढना पड़ेगा मुझे, कहाँ तक ढूंढूंगा देखते हैं, ढूंढ के खाना वाना खा के आप लोग के साथ बात करूँगा, ठीक है भाई साहब। यहाँ पर आया था मैंने, और यह तो कैसा है, तड़का और रोटी खाऊंगा मैं। यहाँ पर होटल कुछ भी नहीं है, यहाँ पर पता नहीं क्यों नहीं है, स्टेशन पास में ही है, क्यों नहीं है पता नहीं भाई साहब। आज भी चावल खाने के लिए नहीं मिल रहा मुझे, सुबह से कुछ नहीं खाया, बस भुवनेश्वर में थोड़ा बड़ा खाया था, और तो खाने के लिए मन भी नहीं था, क्या खाऊंगा। और यहाँ पर भाई साहब वो स्टेशन में क्या है भाई साहब, लोकल ट्रेन कलकत्ता वालों अगर वीडियो देख रहे थे क्या बताओगे। और मेरा खाना कुछ ऐसा है, दिखा दूंगा मैं आप लोगों को सामने ही। ये तड़का है और ये रोटी तोड़ कर खाऊंगा मैं, वहाँ खाना खाने के बाद आप लोगों से बात करूंगा। और ये तड़का हो गया, ये रोटी 3 मंगाए थे मैंने, क्योंकि ज़्यादा
पता नहीं खा पाऊंगा या नहीं, खाना खा के बात करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। इस प्रिया होटल पर खाना खाया था मैंने, 3 रोटी और आप लोगों को तो देखे होंगे। और इसके बगल में ही भगवान का मंदिर है, मंदिर का भी दर्शन हो गया, शिव जी का मंदिर है, शिव पार्वती। इस मंदिर कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसके बगल में ही ये स्टेशन का ये है बेलूर स्टेशन, यहाँ पर मैं 2 दिन रुकूंगा। चाबी नहीं है भाई इनके पास, क्या बताऊँ। कल मैंने कलकत्ता घूमूंगा तो वो सब बैग लेके कैसे घूमूंगा बताओ। ये स्टेशन है, मैं यहाँ पर रुका हूँ 2 दिन। 6 तारीख को मेरा फ्लाइट है, मैं निकल जाऊँगा नॉर्थ ईस्ट को कवर करूँगा। नॉर्थ ईस्ट कवर करने के बाद कुछ इस प्रकार है ये स्टेशन। मुझे पानी चाहिए, पानी लूँगा। ठंडी उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। हमारा हमारा क्या बताऊँ यार, मैं जहाँ पर रुका हूँ वैसा वाला ठंडा है, यहाँ पर उतना ज़्यादा ठंड नहीं है। बट ये रास्ता ना कच्ची रास्ता है भाई साहब, पानी पानी हो रखा है यहाँ पर। बारिश तो नहीं हुआ, बस ऐसे ही कुछ इस तरह है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए कल मैं ट्रेन पकड़ूंगा, लोकल ट्रेन में ही घूमूंगा। कल देखूंगा कहाँ कहाँ तक जाऊंगा, पता नहीं। मैं एम्बेसी भी शायद कल टाइम होगा तो एम्बेसी जाके पूछूंगा कि बॉर्डर खुला होगा कि नहीं, क्योंकि म्यांमार का सिस्टम तो कुछ बिगड़ा हुआ है, आप लोग को तो पता होगा। मैं मोरे तक जाऊंगा, हो सके तो मोरे तामू तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि वो बॉर्डर बंद है। कल पूछूंगा यार एम्बेसी में जाके क्या क्या है क्या नहीं है उसके बारे में। बस आज के लिए बस इतना ही, कल मैं मिलूंगा आप लोगों को। गुड नाइट।